मंडी जिला के सुंदरनगर में एक पुलिस कांस्टेबल को ड्यूटी के दौरान गोली लगने से मौत होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार 4 IRBN बटालियन के कांस्टेबल सुशील कुमार BSL डैम सुरक्षा सलापड़ में तैनात थे। सुशील कुमार सलापड़ पावर हाउस सुरक्षा में अपनी ड्यूटी पर था और उसी दौरान सुबह जब उसके स्थान पर ड्यूटी देने के लिए एक अन्य पुलिस जवान आया तो उसने सुशील कुमार को उसके सरकारी हथियार SLR बंदूक से गोली लगना पाया गया। मंडी जिला के सुंदरनगर में एक पुलिस कांस्टेबल को ड्यूटी के दौरान गोली लगने से मौत होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार 4 IRBN बटालियन के कांस्टेबल सुशील कुमार BSL डैम सुरक्षा सिलापड़ में तैनात थे। गुरुवार रात सुशील कुमार सिलापड़ पावर हाउस सुरक्षा में अपनी ड्यूटी पर थे और इसी दौरान सुबह जब उसके स्थान पर ड्यूटी देने के लिए कोई अन्य व्यक्ति जवान आया तो उसने सुशील कुमार को उसके सरकारी हथियार SLR बंदूक से गोली लगना पाया गया। इस मौके पर मौजूद अन्य सुरक्षा जवानों द्वारा सुशील कुमार को निजी वाहन में उपचार के लिए सुंदरनगर सिविल अस्पताल लाया गया, लेकिन सुशील कुमार की मौत हो गई थी। वही मामले की सूचना मिलते ही सिविल अस्पताल सुंदरनगर में DSP गुरुवचन सिंह, HSO कमलकांत, हेड कांस्टेबल पवन कुमार व संजीव सकलानी सहित अन्य पुलिस कर्मचारियों ने कार्रवाई शुरू कर दी। मृतक कांस्टेबल सुशील कुमार के शव को पोस्टमार्टम के लिए लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नेर चौक में ले जाया गया है। मृतक कांस्टेबल सुशील कुमार मूलतः बिलासपुर जिला के जावली गांव का रहने वाला था। अभी मृतक के गोली लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। मामले की जानकारी देते हुए DSP सुंदरनगर गुरुबचन सिंह ने बताया कि सुंदरनगर पुलिस को सिलापड़ पावर हाउस में तैनात कांस्टेबल सुशील कुमार को गोली लगने की सूचना मिली है। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। मृतक सुशील कुमार के शव को पोस्टमार्टम मेडिकल कॉलेज नेर चौक में करवा कर परिजनों को सौंप दिया है। सुशील कुमार को बंदूक से गोली लगी जिस कारण से अस्पताल सुंदरनगर लाया गया जहां उसकी मृत्यु हो चुकी थी, उसे पोस्टमार्टम के लिए नेर चौक भेजा जा रहा है। मामला दर्ज कर लिया गया है, इसमें जांच जारी है।